और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने है, जहां 37.33% मतदान हो चुका है। नैनीताल की बात की जाए तो 40.46%, हरिद्वार में 39.41% वोटिंग की जा चुकी है। अल्मोड़ा की बात की जाए तो 32.60% वोटिंग की जा चुकी है। वहीं टिहरी में 35.29% वोटिंग की जा चुकी है दोपहर 1 बजे तक का। गढ़वाल सीट पर जो मतदान प्रतिशत है वो है 36.60%। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत का अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुल फीसदी वोटिंग जो हुई है अब तक उत्तराखंड में वो है 37.33% मतदान हो चुका है। नैनीताल की बात करें तो 40.46% मतदान हुआ है। हरिद्वार में 39.41% वोटिंग की जा चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। यहां पर केवल एक ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में केवल 5 लोकसभा सीट हैं, जिनका चुनाव जो है वो पहले चरण में ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे प्रतिशत को लेकर क्या लगता है, आगे क्या और अपडेट आ सकता है, यानी कि मतदान प्रतिशत जो है वो पिछले लोकसभा चुनाव के मुताबिक इस बार क्या प्रतिशत आ सकता है सामने, कितना बढ़ सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए दीपशिका, अगर बात करें यहाँ पे आज जो है जिस तरीके से जो है आज पहले चरण का जो मतदान था उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, और 11 बजे की अगर बात करें तो 11 बजे तक लगभग जो है 24% ये मतदान रहा था। उसके बाद धीरे धीरे गर्मी, काफी गर्मी बढ़ रही है, तो यहाँ पे तापमान जो है काफी चरम सीमा पे, उसको लेके जो है कयास लगाया जाते कि धीमा रहेगा मतदान। परंतु 1 बजे की अगर बात करें, 1 बजे तक जो है औसत की बात करें तो 33% यहाँ पर जो है अभी तक मतदान 1 बजे तक हो चुका है, जिसमें नैनीताल की अगर बात करें 40% है, हरिद्वार 39, अल्मोड़ा 32 और टिहरी 35 और गढ़वाल जो है 36%। परंतु कयास जिस तरीके से लगाए थे, चुनाव आयोग लगातार कह रहा था कि 75% मतदान को ले जाना है, क्योंकि अभी महज 2 या 2.5 घंटे ही बचे हैं, उसको लेके यहाँ पे जो कयास लगाए जाते हैं कि मतदान बढ़ेगा। परंतु जिस तरीके से समीकरण की अगर बात करें तो लगता नहीं है कि मतदान जो है वो 60% से आगे बढ़ेगा। जी अवनीश, आपसे एक और सवाल कि वहां पर किन प्रत्याशियों ने अब तक मतदान कर दिया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दीपशिका, यहाँ पे अगर लगातार देखा जाए तो सुरेश जी जो है हम लोगों ने पहले जो है इसका जो है निश्चित हो गया था, जिस तरीके से सूची आ गई थी भाजपा के नेताओं की और कांग्रेस के नेताओं की, तो तमाम जितने दिग्गज नेता थे, प्रत्याशी थे, उनके समर्थकों के सहित जो है यहाँ पे सुरेश जी जो है लगभग 11 बजे के लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मत का प्रयोग यहाँ पे कर दिया था। जिलाधिकारी ने स्वयं यहाँ पे जो राजपुर टीजी लोकसभा है वहाँ पे राजपुर के जो है आईटीआई स्कूल के अंदर अपना मत का प्रयोग किया। जी अवनीश, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड के सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्या लगता है आपका, क्या अनुमान है इस सीट पर कौन बाजी मार सकता है? देखिए दीपशिका, यहाँ पे शुरू से जो है अगर बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट जो है वो यहाँ पे जो है हॉट सीट मानी जाती थी, उसको लेके जिस तरीके से भाजपा के अंदर भी जो है बात चलती रही थी, प्रत्याशियों का नाम भी जो है बाद में घोषित हुआ है, और जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो उनको तो प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने अपनी दावेदारी करी थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे टिकट मांगा और लास्ट में जद्दोजहद के बाद जो उनके लड़के वीरेंद्र रावत को यहाँ पे मैदान में उतारा गया। परंतु जिस तरीके की जो समीकरण की बात करें तो वहां पर जो ज्यादातर हरिद्वार के अंदर जो है जाके समीकरण ज्यादा महत्व रखता है, और कुछ इलाके जो है वो अल्पसंख्यक बहुमूल्य माने जाते हैं, कि वहां पर जिस तरीके से देखा जाए कि पहले भी जो है भाजपा के जो है नेता वो वहां पर जीत के आए थे, और वो जो भगवानपुर सीट, जो खानपुर सीट है, वहां के जो निर्दलीय उम्मीदवार है जो खानपुर के, वो भी यहाँ पे बढ़ा, तो लगातार यहाँ पे कांटे की टक्कर कहा जा सकता है। और प्रति ये देखने वाला होगा कि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है यह मुकाबला 2 लोगों के बीच में, खानपुर विधायक जो रहे हैं उनके और जो त्रिवेंद्र रावत है इनके बीच में रहेगा, परंतु देखा जाए तो समीकरण पल पल बदल रहे हैं, हालांकि इसके लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर जरूर होगी। जी जी 4 जून तक के बाद ही हमको ये स्थिति साफ हो पाएगी। इसके अलावा मेरा सवाल है कि मतदान स्थल पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और इसी के साथ ही मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, और साथ ही जो नए वोटर्स हैं
उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो पहली बार वोटिंग करने पहुंचे होंगे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दीपिका अगर बात करें, जो पहली बार मतदान करें, खास करके युवाओं की बात करें, छात्राओं की बात करें, उनके अंदर एक नया जोश था, क्योंकि उनके लिए पहली बार जो है मतदान का जो है यहाँ पे प्रयोग करने का अवसर मिल रहा था, उसको लेके बात आ जाए जाए निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जागरूकता रैली निकाली गई, सेल्फी पॉइंट बनाए गए, अपने वोट का जो है यहाँ पे उपयोग करने के बाद आप उसमें सेल्फी खींच कर जो है वो मत का यहाँ पे जो है सोशल मीडिया पे डालें, तो उसके लिए बाकायदा प्रोत्साहन की बात की थी, जगह जगह रैलियां निकाली गई थी, उसको लेके यहाँ पे सुबह से जो है खास करके युवाओं की बात करें, युवाओं का यहाँ पे जोश देखने को मिल रहा था, जगह जगह जो है पहले युवाओं पहुंचे थे 7 बजे से, और हालांकि जो है जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा सा देर से निकले, 10 बजे के बाद से वो अपना नाश्ता करने के बाद वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे, हालांकि जो है अभी सुरक्षा की अगर बात करें 4 चौबन सुबह व्यवस्था है, हालांकि बात करें क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें देहरादून राजधानी की, देहरादून राजधानी में केवल जो है 7 विधानसभा जो है वो टिहरी क्षेत्र की है और 6 विधानसभाओं के लिए यहाँ पे जो मतदान केंद्र बनाए गए वो हरिद्वार लोकसभा के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अभी ऐसा देखा जाए जैसे जगह जगह सीआरपीएफ की बात होती थी विधानसभा में, यहाँ पे अभी ऐसा कोई नहीं है, जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पे वो काम कर रही है। जी जी अवधीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर लगातार वोटिंग जारी है, जो कि 6 बजे तक जारी रहेगी। इसी के साथ बता रहे कि उत्तराखंड में केवल एक ही चरण में 5 लोकसभा सीट पर मतदान पूरा हो जाएगा, और जो अब तक का अपडेट सामने आया है दोपहर 1 बजे तक का, वो 37.33% मतदान किया जा चुका है।